Welcome students to Boundless Education, your partner and guide in your science educational journey. Let's begin today students with the first exercise of Maharashtra board, which is 3.1. In this video, bachcho, we are going to solve 5 sums of the first exercise. So let's begin. Yahan par humko bola gaya hai integrate the following. ये सम स्टार्ट करने से पहले बच्चों, आई वुड जस्ट वांट टू रिमाइंड यू, दिस चैनल इज गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू यू बच्चों. हेंस हिट द सब्सक्राइब बटन, मोटिवेट अस टू मेक मोर एंड मोर एंटरटेनिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू ऑल. सो लेट्स बिगिन. यहां पर हमको बोला गया है बच्चों कि हमको इंटीग्रेट करना है. लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड दिस सम. सम्स बड़े इजी है फर्स्ट एक्सरसाइज के, ज्यादा तामझाम नहीं दिया गया है हमको. इनफैक्ट ऐसा बोला गया, अगर मैं सिंबॉलिकली लिखूं तो ऐसा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी एक्स के साथ में आ जाएगा वो. ओके, अब ये डी एक्स जो है वो हर एक को लग जाएगा, इंटीग्रेशन भी हर एक को अटैच हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस राधव इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स. नाउ अब हमको पता है ऑलरेडी यहां पर एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लग जाएगा, विच इज एक्स रेज टू थ्री प्लस वन अपॉन थ्री प्लस वन, प्लस यहां पर भी वही होगा टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन माइनस, यहां पर अगर कोई पावर नहीं है इसका मतलब वन होगा डेफिनेटली, तो वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन. And we also know integration of 1 is always x plus constant of integration, तो आएगा ही आएगा, साथ में हम लिखते भी जाएंगे बच्चों. Integration of x raised to n dx is x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c. And integration of 1 dx is also x plus c. साथ में हम लोग हमेशा इसके formulas भी लिखते जाएंगे. Okay, तो हमको finally answer क्या मिल जाएगा? x raised to 3 plus 1 is going to give me 4, यहां पर भी 4 हो जाएगा, plus x cube upon 3 minus x square upon 2 plus x plus c becomes my final answer. Let's understand the second sum. यहां पर क्या बोला गया है, we have got to integrate x square 1 minus 2 upon x whole bracket square. इसको हम लोग ढंग से लिख देते हैं बच्चों, यह हमको दिया क्या है, x square 1 minus 2 upon x whole bracket square times dx. Let's simplify this. यहाँ पे क्या हो जाएगा? Therefore, I will be equal to, ये तो वैसे के वैसे रखेंगे x square, और यहाँ पर a minus b whole bracket square, a square minus 2ab plus b square. We all remember this formula. तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? a minus b whole bracket square, a square minus 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया हमने. ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वैसे के वैसा. लेट्स फर्स्ट सिंप्लीफाई द ब्रैकेट. वन स्क्वायर तो वन ही मिलेगा, ये बन जाएगा माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर टाइम्स डी एक्स. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इनसाइड. तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू वन इज गोइंग टू गिव मी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर फोर अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 4 upon x square times dx. Okay, अब यहां पर ये एक x तो कट जाएगा, और ये पूरा पूरा x square कट जाएगा. तो integration of now क्या हो जाएगा, x square ये dx साथ में आ जाएगा, minus ये 4 into x becomes 4x, and साथ में dx को भी रख देते हैं, and plus 4 times dx भी कर लेते हैं. dx सभी साथ में अप्लाई कर दिया, अब इंटीग्रेशन को भी साथ में ले लेते हैं, यानी x square dx minus 4x साथ में इंटीग्रेशन भी आ जाएगा, plus 4 dx साथ में इंटीग्रेशन भी रहेगा. ओके, यहां पर हम लोग करेंगे क्या, लेट्स अप्लाई इंटीग्रेशन रूल्स. 2 plus 1 अपॉन 2 plus 1 minus 4, इंटीग्रेशन तो सिर्फ x को अप्लाई होगा, 4 हमने बाहर रख दिया, x यहां पर 1 plus 1 अपॉन 1 plus 1 प्लस 4, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी x प्लस c. साथ में फॉर्मूलाज लिखते रहेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज गोइंग टू बी x प्लस c.
अब हमको आंसर क्या मिल जाएगा? देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 एक्स प्लस सी. आई कैन स्टिल सिंप्लीफाई दिस. 2 वन जा 2 2 जा इज 4. तो फाइनली वी कैन राइट द आंसर एज देयरफॉर आई विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस सी बिकम्स माई आंसर. ओके, आई एम होपिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज टाइप्स ऑफ सम्स. बड़े इजी हैं, हम लोग सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज अप्लाई कर रहे हैं यहां पर. लेट्स गो अहेड विद द थर्ड सम. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बच्चों. अब यहां पर करेंगे क्या, यहां पर सबसे पहले आई लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3 सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स और सबके लिए डी एक्स लगा देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन भी हो जाएगा सबके लिए एंड डी एक्स भी हम लोग सबके लिए अप्लाई करेंगे. यानी ये 3 को बाहर लिख देते हैं ऑलरेडी. सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स. ओके, तो हमने क्या किया, सबके लिए अप्लाई कर दिया dx भी इंटीग्रेशन भी. ओके, अब हमको ऑलरेडी पता है बच्चों, वी हैव गॉट टू रिमेंबर ऑल दीज फॉर्मूलाज वेरी वेरी डिस्टिंक्टली बच्चों, अदरवाइज तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे. इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर इज tan ऑफ x, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है. माइनस 4 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x, 1 अपॉन x का बन जाएगा log ऑफ 1 अपॉन x प्लस. अब इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई कर दिया बच्चों, ये क्या बनेगा, x रेज टू 1 तो है ही और स्क्वेयर रूट का मतलब x रेज टू हाफ हो जाता है dx. माइनस 7, 1 का हमको पता है कि बाबा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x. सारे फॉर्मूला साथ में लिखते रहेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वेयर x dx इज tan ऑफ x प्लस c. अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस c. And integration of 1 dx is always x plus c. सारे formulas हम लिखते भी रहेंगे बच्चों. अब laws of indices use करेंगे यहाँ पर. 1 plus half is going to give me 3 by 2. 3 tan x minus 4 log of modulus of x plus integration of x raised to 3 by 2 dx minus 7x plus c. ये 3 by 2 कैसे आया, यहाँ पर वो भी मेंशन करेंगे. 1 प्लस हाफ हमने एलसीएम निकाल लिया, ये 2 यहाँ पर गया, ये 1 यहाँ पर गया, हमको 3 बाई 2 बन गया. 1 प्लस हाफ इज नॉट 1 एंड हाफ, वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो जाएगा 1 प्लस हाफ इज 1 एंड हाफ. मैथमेटिक्स के अंदर हम एलसीएम निकालते हैं, ये तो मेरे पास में एक होल नंबर है, ये एक फ्रैक्शन है, हमने एलसीएम निकाला, 3 अपॉन 2 मिला हमको. ठीक है, आई हैड अ स्टूडेंट हु यूज्ड टू से 1 प्लस हाफ इज 1 एंड हाफ. तो ऐसा होता नहीं बच्चों, हम लोग ने एलसीएम निकालेंगे, 3 बाई 2 आएगा, ये 3 बाई 2 अब ऊपर चला जाएगा ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें प्रॉपरली. 3 tan x माइनस 4 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 3 बाई 2 डी एक्स माइनस 7x प्लस सी. अब ये जब ऊपर गया तो अगेन लॉज ऑफ इंडाइसिस हो गए, ये पावर नेगेटिव हो जाएगा. नाउ 3 tan ऑफ x माइनस 4 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x प्लस, अब यहां पर माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 माइनस 7x प्लस सी. हमने इंटीग्रेशन एक बार अप्लाई कर दिया तो उसका साइन नहीं आएगा बच्चों. ओके, अब यहां पे क्या किया, हमने यहां पे अप्लाई कर दिया था, अब इसको सिंप्लीफाई भी करते हैं. माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 2 है, ये जाएगा इसके साथ माइनस 3 और ये प्लस 2 बन जाएगा, माइनस हाफ बन जाएगा. तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिल जाएगा 3 tan of x माइनस 4 log of modulus of x प्लस x raise to माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ, यहां पर भी माइनस हाफ ही आने वाला, माइनस 7x प्लस c. बस इसको हम लोग थोड़ा ढंग से लिख देंगे बच्चों. Therefore, I will be equal to 3 tan of x minus 4 log of modulus of x.
अब ये जब ऊपर जाएगा तब ये -2/1 बन जाएगा। जब भी मेरे पास में लॉज ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से ये जब ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये नेगेटिव में है हमारे पास में, इसको नीचे लेके आते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा -1/, और यहाँ पर ये इसका पावर भी हाफ है तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। जब भी पावर हाफ रहेगा उसका मतलब वो स्क्वायर रूट में हो जाएगा। ये टर्म नीचे आया, ये नेगेटिव का पॉजिटिव बना तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बना। ये माइनस हाफ था, ये ऊपर गया, ये 2/1 बन गया, एंड -7x + c विल बिकम माय आंसर। दिस कैन बिकम माय आंसर, 3 tan x - 4 log of modulus of x। I am hoping ये थामझाम समझ में आया है आपके। यहाँ पर माइनस हाफ था, ये नीचे आया तो ये बन गया x^+2 + half। प्लस हाफ का मतलब ही होता स्क्वायर रूट ऑफ x, और ये माइनस हाफ जब ऊपर जाएगा तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -2/1। यहाँ पर चाहो तो मैं लिख भी लेता हूँ, सिंस a/b / c/d। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी मेरे पास में डिविजन है, लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता कि भाई यहाँ पर a/b / ये रेसिप्रोकल हो जाएगा d/c बनने वाला है। तो ये टर्म जब ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता, यहाँ पे c/d था, d/c बन गया, ये उल्टा हो जाएगा। ये टर्म नीचे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बन गया, -7x + c। तो वैसे के वैसा हमारे पास में आंसर हमको मिल जाएगा। फोर्थ सम, we have got to integrate 2x³ - 5x + 3/x + 4/x^5 dx। okay, तो हम लोग करेंगे क्या, let's separate them all। integration हम लोग सिर्फ लगाएंगे variable को, जो coefficient है उसको बाहर निकाल देंगे सबके लिए। यहाँ पर 3 भी बाहर आ जाएगा, 1/x dx + 4x^5 dx, because integration लगेगा सिर्फ variable के लिए, coefficient सारे बाहर आ गए। Now let's apply the formulas। क्या हो जाएगा, 3+1/3+1 - 5 times। अब यहाँ पर कोई टर्म नहीं है तो 1+1/1+1 + 3 1/x के लिए log of modulus of x plus 4, ये ऊपर चला जाएगा, integration of x^-5 dx। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब यहाँ पे 3+1 is going to give me 4/4 - 5x² / 2 + 3 log of modulus of x + 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x^-5 + 1 - 5 + 1 + c। सबके लिए फॉर्मूलाज लिख देंगे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ x^(n) dx इज x^(n+1) / (n+1) + c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 is going to give me x + c. इंटीग्रेशन ऑफ 1/x is going to give me log of 1/x + c। सबके लिए फॉर्मूलाज अप्लाई करते चलेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1s are 2 2s are, तो 1/2 x^(4) - 5/2 x² + 3 log of modulus of x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +4 x^(-4/-4 + c। ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, ये -(+) इज गोइंग टू गिव मी माइनस, इसको नीचे लेके आते हैं क्या मिल जाएगा, 1/2 x^(4) - 5/2 x² + 3 log of modulus of x। -(+) इज गोइंग टू गिव मी माइनस, 1/x^(4) + c वुड बिकम माय आंसर। बस हम लोगों ने फॉर्मूलाज अप्लाई किए और सिंप्लीफाई करते गए हैं बच्चों, नथिंग एक्सेप्शनल वी हैव डन। ओके, नेक्स्ट सम पे आते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या दिया है हमको, यहाँ पर हमको दे दिया गया है, वी हैव गॉट टू इंटीग्रेट, कुछ टर्म्स दे दिए गए हैं, और नीचे हमारे पास में x³ - 2x + 5/, यहाँ पर x है और मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x था तो x^(½ dx। जैसे मैंने बताया भी है बच्चों, लॉज ऑफ इंडाइसिस होगा यहाँ पर 3x³ - 2x + 5, 1+2 is 3/2 dx। ध्यान रहे बच्चों, 1+2 यहाँ पर हम लोग करते रहेंगे साइड में, कि अगर मेरे पास में ऐसा दिया है 1+2, इसका LCM निकाला जाएगा, 1 2s are 2 + 1 is going to give me 3/2, 3/2 होगा बच्चों। ओके, अब ये 3/2 सबके लिए अप्लाई होगा,
यहाँ पर 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेज टू 3 बाय 2 डी एक्स माइनस 2 एक्स अपॉन एक्स रेज टू 3 बाय 2 डी एक्स प्लस 5 एक्स रेज टू, या हम लोग इसको डायरेक्टली नहीं लिखते, 1 अपॉन एक्स रेज टू 3 बाय 2 डी एक्स। हमने क्या किया, कोएफिशिएंट्स को बाहर निकाल दिए और सबको अप्लाई कर दिया, यानी ये एक्स रेज टू 3 बाय 2 एक्स क्यूब को भी अप्लाई होगा, एक्स को भी अप्लाई होगा और 5 के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर क्या है, इसको ऊपर लेके आते हैं, एक्स रेज टू 3 माइनस 3 बाय 2 डी एक्स माइनस 2 एक्स रेज टू, यहाँ पर 1 है, माइनस 3 बाय 2 हो जाएगा डी एक्स प्लस 5 एक्स रेज टू माइनस 3 बाय 2 डी एक्स। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब लेट्स सिंप्लीफाई दिस फर्स्ट, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 3, यहाँ पर 6 माइनस 3 अपॉन 2 डी एक्स माइनस 2, 2 माइनस 3 एक्स रेज टू 2 माइनस 3 अपॉन 2 डी एक्स प्लस 5। अब यहाँ पर अप्लाई कर देते, माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू 6 माइनस 3 विल गिव मी 3 बाय 2 डी एक्स माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 एक्स रेज टू माइनस 1 बाय 2 डी एक्स प्लस 5 टाइम्स। नाउ एक्स रेज टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट अस आल्सो रिमूव द एलसीएम, माइनस 3 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 2 अपॉन, सेम चीज नीचे भी आने वाली है, माइनस 3 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस सी। नाउ लेट्स अप्लाई द फॉर्मूलास, क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू 3 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 3 बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 एक्स रेज टू माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस 5 टाइम्स एक्स रेज टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1 अपॉन 2, नीचे भी आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 प्लस सी। नाउ 3 टाइम्स एक्स रेज टू, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं बच्चों, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये जाएगा इसके साथ, 3 1 जा 3 2 1 जा इज 2, सेम थिंग विल हैपन नीचे भी, एलसीएम नीचे भी आ जाएगा, अगर कुछ नहीं है तो 1 है, क्या हो जाएगा, ये तो 2 आ जाएगा, ये जाएगा इसके साथ, माइनस 1 इंटू 1 इज प्लस 1, यहाँ पर माइनस 1 आएगा और 2 इंटू 1 विल बी 2, सेम चीज नीचे भी हो जाएगा एंड प्लस 5। अब ये देखो, ये जब ऊपर जाएगा तब यहाँ पर माइनस 2 अपॉन 1 एक्स रेज टू माइनस हाफ प्लस सी। हमने क्या किया, इसको जब ऊपर लिखे गए, मैं लिख लेता हूँ, ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी, ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, ये जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों। ओके नाउ एक्स रेज टू 5 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन 2, 3 प्लस 2 इज गोना गिव मी 5, माइनस 2 टाइम्स माइनस 1 प्लस 2, तो एक्स रेज टू हाफ अपॉन, यहाँ पर भी हाफ हो जाएगा, प्लस 5 टाइम्स, ये तो वैसे के वैसा 2 अपॉन, इसको नीचे लेके आते हैं, एक्स रेज टू हाफ प्लस सी। We are just simplifying this. ये भी जब ऊपर जाएगा तब ये reciprocal हो जाएगा, 5 upon 2 का 2 upon 5 हो गया, x raised to 5 upon 2 minus ये 2 into 2 upon 1 x raised to half plus ये 2 5 is 10 upon x raised to half plus c. You only have to multiply this now. 6 upon 5 x raised to 5 upon 2 minus 4 x raised to half प्लस 10 एक्स रेज टू हाफ प्लस सी। हमने बस फॉर्मूला अप्लाई किया, एक्स रेज टू एन डी एक्स, एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, नथिंग एल्स वी हैव डन। फाइनली वी कैन राइट द आंसर एज 6 अपॉन 2 एक्स रेज टू 5 बाई 2 माइनस 4 स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स, एक्स रेज टू हाफ इज स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स, प्लस 10 अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस सी, हमको हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। इट वॉज क्वाइट अ लेंथी सम, बट सम इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, हमने आसानी से सॉल्व कर लिया इसको। हमने बस यहाँ पर ये फॉर्मूला ज़्यादा करके अप्लाई किया है एंड सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज अप्लाई किए हैं, जैसे 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल किया था हमने, 1 अपॉन एक्स इज लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स। वी हैव गॉट टू रिमेंबर ऑल दीज फॉर्मूलाज,
तब हम ये सम्स बड़े आसानी से कर पाएंगे। सब फॉर्मूलाज का खेल है, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलाज है सारे सारे। आई एम होपिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग माई स्टाइल ऑफ टीचिंग। फॉर एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू कमेंट बिलो। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों कुछ और भी इंटरेस्टिंग सम्स करेंगे। वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एट द अर्लीस्ट। हर वीडियो के अंदर तकरीबन चार चार पांच पांच सम्स करेंगे ताकि एक्सरसाइजेस जल्दी खत्म हो जाएंगे। वी आर गोइंग टू फिनिश लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सिलेबस। टिल देन स्टडी स्मार्ट, स्टडी हार्ड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर स्टडी।